तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आ चुके हैं एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो, इसमें हम करने क्या वाले हैं कि फ्रेंड्स, 5 वोल्ट की सहायता से 220 वोल्ट एसी को 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट में कन्वर्ट करके दिखाने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फ्रेंड, इसकी जरूरत सभी को पड़ती है, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जरूरत मुझे भी पड़ी थी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप 12 वोल्ट एलईडी या 12 वोल्ट एम्पलीफायर या 12 वोल्ट आप मोटर चलाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको इसकी जरूरत काफी ज्यादा पड़ती है। नहीं तो हमें 12 वोल्ट बैटरी की जरूरत पड़ती है, जो कि मार्केट में काफी ज्यादा महंगी मिलती है। तो फ्रेंड, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में आपको प्रमोशन के बारे में बताया था, जो कि फ्रेंड्स अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम दो लोगों के चैनल को प्रमोट करने वाले हैं। तो हमारे सेकंड चैनल मिस्टर सौरभ क्रिएशन पे 600 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उस पर फ्रेंड्स हमें 400 सब्सक्राइबर की जरूरत है, जो कि आप अगर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देते हो तो हम दो चैनल को प्रमोट कर देंगे। उस चैनल का वॉच टाइम जो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हमें 1K सब्सक्राइबर की जरूरत हो, तो आप जल्दी जल्दी करवा दीजिए और हम दो चैनल को प्रमोट करेंगे। तो फ्रेंड, किस टाइप से हम उनके चैनल को प्रमोट करेंगे वो रूल अभी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो हम दो लोगों का प्रमोशन करने वाले हैं। एक लोगों का प्रमोशन हमारे सेकंड चैनल से होगा, मिस्टर सौरभ क्रिएशन से, और एक लोगों का जो प्रमोशन होगा वो हमारे न्यू एक्सपेरिमेंट सौरभ यूट्यूब चैनल से प्रमोशन होगा। प्रमोशन का रूल यह है कि जब तक हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते, तब तक जितनी भी वीडियो आएगी, जो सबसे ज्यादा फर्स्ट कमेंट कर देगा जितनी भी वीडियो पे, उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो एक प्रमोशन वैसे हो गया, और जो दूसरा प्रमोशन है, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट कमेंट करते हो, या आप फर्स्ट कमेंट नहीं भी कर पाते हो, आप रेगुलर जो है कि कमेंट करते हो, तो आपका जो जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा हर वीडियो का मिलाकर होगा, उसी को फ्रेंड्स इस चैनल पे हम प्रमोट करेंगे, और जिसका चैनल थोड़ा अच्छा ठीक ठाक रहेगा उसके चैनल को हम प्रमोट कर देंगे। जो दो लोग विनर होंगे उनका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनका जो प्रमोशन वो 3 जगह होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जो सेकेंड चैनल पर भी होगा और इस चैनल पर भी होगा, और उनका जो कि एक कम्युनिटी में पोस्टर डाल देंगे। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप विनर बन सकते हो। फ्रेंड, प्रमोशन आपको पता चल गया होगा, तो हम चलिए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अब हम बुलाने वाले अपने बहुत ही पुराने दोस्त को, जिनका नाम है पीवीसी पाइप की सीट, जिनको आप हमारे बहुत से प्रोजेक्ट में देखे होंगे, ये हमारी बहुत सी हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो आज हम इनको फाइनली बुला लिए हैं। तो अब हम फ्रेंड्स करने क्या वाले हैं कि यहाँ पे देख सकते हो, हम इस टाइप का बॉक्स बना रहे हैं। आप सिंपल सा भी बॉक्स बना सकते हो, लेकिन हम इसको डिजाइन देने के लिए कुछ इस टाइप से बना रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स हमने इसकी जो आपको लंबाई चौड़ाई आपको स्क्रीन पे शो नहीं की है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो आप देख कर इसको बना सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप सिंपल सा भी बॉक्स बना सकते हो, पर हम इस टाइप को बना दे रहे हैं। तो देख सकते हो, इसको आप बनाकर इस टाइप से हमें सभी को देखिए, पीवीसी पाइप को जो जो हम लगा रहे हैं, इन सभी को हमें चिपका देना है। तो कुछ इस टाइप का बॉक्स हमने बना लिया। अब हमें देखिए 3 पीवीसी पाइप की सीट लेनी है। हम आपको दिखा दे रहे हैं कि इसको किस जगह पे लगाना है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें इसको इस तरह से फिक्स करना है। तो पहले देखिए, जो ऊपर वाला है इसका देखिए जो काम है उसको हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम 4 बोल्ट लेने वाले हैं, जो कि आप छोटा बड़ा जो भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम देखिए 4 जगह मार्किंग करेंगे, और इन बोल्ट को देखिए हम वहाँ पर शोल्डर की सहायता से होल्ड करके लगा देंगे। तो चलिए हम होल्ड कर लेते हैं, फिर आपको लगा कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, हमने होल कर लिया, और इसमें हम देखिए सभी को फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने बोल्ट को भी लगा दिया, और ऊपर से हमने एक एक नट भी लगा दिया, जो कि देखिए इसका काम हो चुका है। और हमें यहाँ पे देखिए 3 चार्जिंग पिन लेना है, आप देख सकते हैं, इस टाइप की आपको ले लेना है। और यहाँ पे देखिए, जो हमने पतली पीवीसी पाइप की यहाँ पे देखिए वाली जो सीट हमने कट किया है, इसमें देखिए हमें तीनों को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। तो यहाँ पे हम शोल्डर की सहायता से होल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने 3 होल किया, और हमने ऊपर भी देखिए छोटा छोटा होल कर लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप की छोटी छोटी LED लगाएंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा जब बीच में हम देखिए चार्जिंग पिन लगाएंगे तो ये इंडिकेट हो जाएगी। तो इसको देखिए हम इस टाइप से लगा देते हैं, और 3 होल कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप से देखिए हमने फिक्स कर लिया। हम आपको देखिए इसको अच्छे से दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए फ्रेंड्स, हमने किस टाइप से फिक्स किया है। देखिए, इधर वाला जो है माइनस है, और इधर वाली जो लेगा वो प्लस है। देखिए, इधर वाली माइनस है, और इधर वाली प्लस है, इधर वाली माइनस, इधर वाली प्लस, और इधर वाली माइनस, इधर वाली प्लस। तो इसे हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ग्लूगन लगा के इसको फिक्स कर देंगे अच्छे से। तो इसको देखिए हमने ग्लूगन की सहायता से अच्छे से फिक्स कर लिया। आप देखिए, जो इसकी LED की बड़ी बड़ी लगे हैं उनको हमें कट कर देना है। तो सभी को देखिए हमने कट कर लिया। हमें देखिए यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस हमें 3 लेना है, और देखिए जो LED है इसमें देखिए आप प्लस या माइनस किसी में भी लगा सकते हैं। तो हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो देखिए, इधर वाला देखिए माइनस, और इधर वाला प्लस, तो आप किसी में इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इस टाइप से हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, इसको देखिए प्लस प्लस में और माइनस माइनस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप से देख सकते हैं हमने कनेक्ट कर लिया। देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस में हमने कर दिया है, इसी टाइप से आपको भी कर लेना है। प्लस माइनस हमने एक में एक एक में कर दिया है।
तो अब हमें यहाँ पे देखिए 6 पतले वायर कट कर लेने हैं। तो इसको हमने पहले से कट कर लिया, तो अभी हम आपको बताते हैं इनको हमें किस जगह पे लगाना है। तो हम आपको देखिए नज़दीक से बता देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो दो, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस आपको देखिए चार्जिंग पिन के एक एक दिख रहे हैं। इसमें देखिए हमें एक एक वायर को सोल्डर कर देना है। तो यहाँ आप देखिए 6 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इन 6 पे हमें एक एक वायर को सोल्डर कर देना है। तो कुछ इस टाइप से देखिए हमने किया है, आप देख सकते हो। तो इसी टाइप से आपको भी कर लेना है। और यहाँ फ्रेंड्स देखिए हम इसको किस टाइप से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ आप देखिए जो प्लस और माइनस है इसको देखिए हमें एक में कनेक्ट कर देना है, जो कि बीच वाला आपको दिख रहा है। तो प्लस माइनस आपको एक में कनेक्ट कर देना है। और इसी टाइप से देखिए दूसरा भी हमने प्लस माइनस को कर लिया। और देखिए साइड साइड में हमें देखिए प्लस माइनस मिल चुके हैं। तो देखिए हम देखिए जो हमने नट बोल्ट लगाया था यहाँ पे, देखिए बोल्ट में हम देखिए 4 पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से देखिए हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। तो देख सकते हो हमने इसको सोल्डर कर लिया है, जो कि आप घर पे आसानी से कर सकते हो अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने इसको देखिए इस टाइप से कनेक्ट कर दिया है। देख सकते हो हमने इसको सीरीज में लगाया है, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। तो आप देख लीजिए हमने इसको तो कर दिया है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपको इसका कनेक्शन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि हमने इसका डायग्राम नहीं दिया, इसलिए आपको हमने एकदम अच्छे से इसको दिखा दिया है। तो देख लीजिए इस टाइप से हमने कर लिया। अब हमें देखिए जो बॉक्स है इसमें हमें इसको फिक्स करना है। तो इस टाइप से देखिए हम लगाएंगे और इसको चिपका देंगे। तो बॉक्स यहाँ पे देखिए बन के तैयार हो चुका है। तो हम इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं किस टाइप से वर्क करता है। तो फ्रेंड इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमें देखिए 3 मोबाइल का चार्जर का यूज़ करना है, जो कि फ्रेंड्स इस टाइम में सबके घर पे 3 चार्जर आसानी से मिल जाएगा। जो कि फ्रेंड्स मोबाइल का चार्जर आपको घर पर आसानी से मिल भी जाएगा, क्योंकि हम इस चार्जर को देखिए कट भी नहीं कर रहे हैं और इस टाइप से हम आपको बता रहे हैं किस टाइप से वर्क करेगा। तो सभी चार्जर को हमें देखिए बोर्ड में लगा देना है। तो यहाँ देखिए दो हम देखिए इसमें लगा देते हैं और एक को हम बगल में लगा देते हैं। तो चलिए इसे हम कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने कर लिया है। अब हम देखिए चार्जिंग पिन के एक एक पॉइंट पे सभी को देखिए यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ देखिए एक इंडिकेटर ग्लो हो चुका है, जिसमें देखिए अच्छे से पकड़ लिया है। ऐसे ही देखिए हम तीनों को लगा देते हैं। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से देखिए तीनों को हमने लगा दिया और देखिए इंडिकेटर जो ग्लो हो चुका है। तो एक चार्जर जो था वो ख़राब हो चुका था, उसलिए हमने उसको चेंज कर दिया है। तो अब देखिए हम मोटर एक ले चुके हैं 12 वोल्ट, और इसको हम आपको चेक करके पहले दिखाते हैं। तो पहले हम इसे 5 वोल्ट पे लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप 5 वोल्ट पे कितना देखिए वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। अभी हम आपको देखिए आप 10 वोल्ट पे चलाते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से वर्क कर रहा है 10 वोल्ट पे। अभी हम आपको 15 वोल्ट पे दिखाते हैं। तो यहाँ आप देखिए फ्रेंड्स जो देखिए लाइट जो कि जल्दी से देखिए यहाँ पर बंद हो जा रही है, क्योंकि अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। फिर भी देखिए इसको हमने कर दिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जैसे हम 15 वोल्ट पे लगाएं, देखिए ये देखिए निकल चुका है और देखिए अच्छे से नहीं देखिए यहाँ पर मूव कर रहा है। तो इसको हम लगा के इसको एक बार फेविकिप से चिपका के फिर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो हमने इसको चिपका लिया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप हमने 15 वोल्ट पे इसको कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड आप जो है मोबाइल का पूरा साउंड फुल करके आप इसकी वॉइस सुनिए, फिर आपको पता चलेगा कि किस टाइप से वर्क कर रहा है। अभी मैं आपको देखिए इसको 10 वोल्ट पे भी लगा कर दिखाएंगे। तो देखिए 15 वोल्ट पे कुछ इस टाइप से चल रहा है। तो यहाँ आप देखिए 10 वोल्ट पे इस टाइप से चल रहा है और 15 वोल्ट पे देखिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ा चल रहा है। और देखिए 5 वोल्ट पे काफ़ी ज़्यादा धीरे चल रहा है। तो चलिए अब हम इसमें 12 वोल्ट की एक LED लगाकर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से जो कि 12 वोल्ट पे वर्क करती है। मैं आपको देखिए 5 वोल्ट पे देखिए वर्क नहीं करेगी। अभी हम आपको इसको लगा कर दिखा देते हैं, इसका देखिए उल्टा करके भी लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो तो यहाँ आप देखिए 5 वोल्ट पे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। तो अभी हम आपको 10 वोल्ट पे दिखाते हैं कि ये वर्क कर रही है नहीं। तो यहाँ आप देखिए हम इसको उल्टा करके लगाते हैं। तो यहाँ फ्रेंड देख सकते हो 10 वोल्ट पे वर्क कर रही है, आप देख सकते हो। पर इसका जो ब्राइटनेस थोड़ा हल्का है 10 वोल्ट पे। अभी हम आपको 15 वोल्ट पे लगा कर दिखाएंगे। तो देखिए 15 वोल्ट पे फ्रेंड देखिए इसका जो ब्राइटनेस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और देखिए 10 वोल्ट पे थोड़ा कम हो रहा है, और देखिए 5 वोल्ट पे बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो फ्रेंड्स हम आपको मल्टीमीटर में भी लगाकर इसका वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं, पर मल्टीमीटर जो इस समय अभी ख़राब हो चुका है। तो फ्रेंड इसलिए हम आपको देखिए 12 वोल्ट की LED लगाकर दिखा देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है।
तो फ्रेंड वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और फ्रेंड्स बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, तभी आप विनर बन पाओगे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।